दोस्तों सिमडेगा की ओर से रोजगार मेला का अपडेट सॉरी यार रोजगार मेला बोल रहा हूँ, मनरेगा का अपडेट आ चुका है। ठीक है, मनरेगा की भर्ती, लेकिन एक क्या है कि बहुत कम सीट है। ठीक है, सिमडेगा एक छोटा मोटा जिला है और यहाँ पे सीट भी उतना ज़्यादा खाली नहीं है, तो सीटें आपको कम मिलेंगी। हाँ, लेकिन रोजगार सेवक की पद में भी सीटें हैं, तो चलिए देख लेते हैं किसमें कितने सीटें हैं। सबसे पहले देख लेंगे, तो ये देखिए आपका ये है पूरा का पूरा। इसमें सबसे पहले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है जो है BPO, इसके लिए मात्र एक सीट है दोस्त, ओनली वन। और ये सीट है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, यानी कि EWS कोटा में चला जाता है ये। ठीक है, तो यह जनरल लोगों को फायदा देगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक सीट है असिस्टेंट इंजीनियर और ये चला जाता है आपका ST कोटा में, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट में आपके 2 सीट है और रोजगार सेवक में मात्र 7 सीट है। आप में से बहुत से लोग देख के कहें यार कितना कम सीट निकाला है, क्या कीजिएगा, कहाँ जहाँ पे जितना सीट खाली रहेगा वहीं से उतना ही सीट ना निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सीटें हैं, किसकी किसकी, तो एक वो जनरल कोटा से है और एक वो आपका SC कोटा से है। ठीक है, एक वो SC और एक वो जनरल। फिर आपका 7 सीट आता है रोजगार सेवक में, इसमें जनरल से 4 है। ठीक, और अनुसूचित, अरे यार मच्छर ना एकदम परेशान कर दिया है काट काट के, ST से 3 है। ठीक है, 4-3 7 आपका हो जाता है। फिर OBC ST जितना, देखिए जनरल में क्या है कि हर कोई फॉर्म भर सकता है, चाहे आप ST हो, SC हो, OBC हो, कुछ भी हो, जनरल से हर कोई फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ सैलरी वगैरह सब कुछ जानते ही आप लोग। BPO के लिए ग्रेजुएशन चाहिए 55% अंकों के साथ, अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% अंक नहीं है तो आप PG किए होने चाहिए, तब फिर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको BE या BTEC किए होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाइएगा। अकाउंट असिस्टेंट के लिए लेखा सहायक के लिए आपको कॉमर्स से ग्रेजुएशन पास करना है 55% अंकों के साथ, अगर आपने BCOM में 55% अंक नहीं प्राप्त किए हैं तब, अगर आपने MCOM किया है तब फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और BCOM में अगर आपका 55% है तो फिर भी आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर ग्राम रोजगार सेवक के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, कितना 12वीं पास होना चाहिए, या फिर आप ITI पढ़े लिखे होने चाहिए, 10वीं के बाद ITI या फिर 12वीं पास आप होने चाहिए ग्राम रोजगार सेवक के। आगे देख लेते हैं, तो सैलरी वगैरह सबका सेम है 23,000, 19,000, 14,300 और 11,000। ठीक है, प्लस में आपको पेट्रोल चार्ज जहाँ जाएंगे, खाना वगैरह, अदर अलाउंसेस भी सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपका जो फॉर्म भराएगा वह दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, देखिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। ठीक है, और लास्ट डेट कब है इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ, तो इसके लिए लास्ट डेट आपका रखा गया है उम्र सीमा आपका 1-1 यानी कि 1 जनवरी 2023 के आधार पर गिना जाएगा, और 1 जनवरी 2023 के आधार पर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए, और फिर आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन कोटा को नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यहाँ पे लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का है 5 नवंबर। कब है? 5 नवंबर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। मैंने वीडियो कई सारे बना दिए हैं, इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, हालांकि मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं ना, आप किसी भी जिला का देख लीजिएगा, सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, चाहे आपका सिमडेगा जिला का हो, चाहे रांची जिला का हो, चाहे गढ़वा जिला का, जितना भी ऑनलाइन है सब जिला का फॉर्म एक ही भर आता है। ठीक है, एक ही टाइप से, तो आप लोग भर लीजिएगा देख के। बाकी यहाँ पे आपका जो है एग्जाम होगा ना, क्या होगा, तो दोस्तों सबका वही होता है, सबसे पहले तो फाइनल एक बार मेरिट से उठाया जाता है कि कौन कौन फॉर्म के लिए एलिजिबल है, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको केवल मेरिट करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा लोग अगर अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, कम लोग करेंगे तो इंटरव्यू भी लिया जाएगा, या फिर डायरेक्टली ये मेरिट भी उठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म बोला गया है कि निर्धारित तिथि से पहले आपको ऑनलाइन करना होगा, और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन गलत सूचना देते हैं तो आपकी रद्द कर दी जाएगी, आपको एक एफिडेविट भी लगेगा कि मैं केवल और केवल यही सिमडेगा जिला में अप्लाई कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने किसी जिले में फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम सीट है, तो आदमी भी बहुत कम भरेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार जहाँ पे कम सीट है वहाँ पे काहे ले भरेंगे फालतू ना। तो जो लोग एलिजिबल हैं भर सकते हैं, सिमडेगा एक बहुत अच्छा जगह है यार। ठीक है, और यह रांची डिवीजन के अंतर्गत आता है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इसका वीडियो अगर आपको देखना है, ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दिया है झारखंड मनरेगा का फॉर्म कैसे भरें, झारखंड मनरेगा का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, सागर साव इस नाम से सर्च मारिएगा यूट्यूब में, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग बहुत ईजीली घर पर फॉर्म भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, अपना एफिडेविट बनवा लीजिएगा, 250 रुपया लगेगा। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने कहीं पे फॉर्म भर चुके हैं तो प्लीज़ मत भरिएगा भाई, लफड़ा में फंस जाइएगा यार, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपने कहीं पे फॉर्म में अप्लाई कर चुके हैं तो मत भरिएगा। थैंक यू, बाय। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय।